से पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अब सस्पेंस बरकरार है। लेकिन आज जिस तरह से यूपी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली हाईकमान से अचानक से बुलावा आया, उससे साफ हो गया है कि जल्दी बीजेपी को यूपी में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। सूत्रों की माने तो भूपेंद्र चौधरी ही यूपी बीजेपी के नए कप्तान बनने जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे तक उनसे मुलाकात की। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में भूपेंद्र चौधरी का भी नाम शामिल है। भूपेंद्र चौधरी कौन है ये हम आपको बता रहे हैं। पश्चिमी वोटर्स में यूपी के काफी अहम भूमिका निभाते हैं। विधान परिषद के सदस्य भी हैं भूपेंद्र चौधरी। संगठन में लंबे समय तक उन्होंने काफी काम भी किया है और काफी एक्सपीरियंस भी है उनको। 2017 में भी उनकी काफी ज्यादा अच्छी बड़ी भूमिका रही चुनावों में योगी सरकार में। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जाट बिरादरी और पश्चिमी यूपी में काफी अच्छी मजबूत पकड़ रखते हैं। 1991 में बीजेपी ज्वाइन की थी इन्होंने, तब से सक्रियता इनकी बीजेपी में है। 1999 में मुलायम सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। तो पूरा हम सियासी कार्यकाल बता रहे हैं भूपेंद्र चौधरी का आपको, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी को आप जानिए, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है और योगी सरकार में काफी अहम भूमिका बीजेपी को आगे बढ़ाने में भूपेंद्र चौधरी की रही है। और उन्होंने अभी हाल ही में मुलाकात की, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।